नमस्कार। सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसते चानण सब में चानण होए। ये वाणी है गुरु नानक देव जी की, जिन्हें प्यार से, आदर से, सम्मान से नानक बाबा, नानक शाह फकीर, नानक लामा, नानक निरंकारी नामों से पुकारा जाता है। 15वीं शताब्दी में अविभाजित भारत के लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी नामक स्थान पर देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू खत्री परिवार में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये तलवंडी नामक स्थान आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। पिता कालू मेहता और माता तृप्ता देवी का यह पुत्र कोई आम बालक नहीं था, बल्कि अलौकिक और दिव्य रूप था। एक प्रसंग खुद ब खुद उनकी अलौकिकता को बयां करता है। एक बार किशोर नानक कहीं जा रहे थे, राह में उन्हें गोद में लिए हुए एक नवजात शिशु को रोती हुई स्त्री मिली। उन्होंने उस माता से पूछा कि माता, आप क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने विवल होकर के जवाब दिया, मेरे सभी पुत्र मर जाते हैं, मेरा ये पुत्र भी मर जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम मर जाना है। नानक देव जी ने कहा, नहीं माता, ये मर जाना नहीं, ये तो मर्दाना है। और इस तरह उन्होंने उस शिशु को मर्दाना नाम दिया और आगे चलकर यही नवजात शिशु भाई मर्दाना के नाम से जाने जाने लगे। विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक नानक की औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं तक रही। बालक नानक को कक्षा में जो भी शिक्षा दी जाती थी, उससे अधिक सवाल वे अपने गुरुजी से करते थे। एक बार उनके गुरुजी बालक नानक के पिता से मिलने आए और उनसे कहा कि आपके पुत्र के प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है, वे तो स्वयं परम ज्ञानी हैं, उन्हें हम क्या ज्ञान दें। पंजाबी, सिंधी, अरबी, फारसी, मुल्तानी, ब्रिज भाषा, संस्कृत और गुरमुखी जैसी भाषाओं के ज्ञाता रहे नानक देव जी को अपनी बहन नानकी जी से बेहद प्यार था। भाई कालू मेहता के परम मित्र मौलाना राय बुलार जी ने नानक जी के अलौकिकता का दीदार उनकी बाल्यावस्था में ही कर लिया था। Thank you.
नानक देव जी अपनी धुन के पक्के थे और रूढ़िवादी कर्मकांडों के सख्त विरोधी रहे। 11 वर्षीय बालक नानक ने पुरोहित के समक्ष ऐसे प्रश्न रख दिए जिनके उत्तर पुरोहित तो क्या किसी के पास भी नहीं थे। उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दया कपा संतोख सुत जत कंडी सतवट एह जनेऊ जी का हईता पांडे कत ना एह टूटे ना मल लग गए ना एह जल्ले ना जाए धन सो मानस नान का जोगल चल्ले पाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा जनेऊ लेकर आइए जो सच का बना हो और जो कभी ना टूटता हो ना कभी मैला हो और ना ही कभी जले। सांसारिकता से विमुख देखकर माता पिता ने नानक देव जी को विवाह बंधन में बांध दिया। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह नानक देव जी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए अनवरत ज्ञान की खोज में लगे रहे और अंततः अपने साथियों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ चारों दिशाओं की यात्रा पर निकल पड़े। इन्हें चार उदासियों के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान नानक देव जी ने उस स्थान की स्थानीय बोली और भाषाओं में अपने उपदेश दिए, अपने संदेश दिए, जिन्हें वाणी कहा जाता है। गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ सर्वधर्म समानता का संदेश देने के लिए चारों दिशाओं की यात्रा पर निकल पड़े। इन यात्राओं को उदासी नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में जब संचार माध्यम आज की तरह नहीं थे, फिर भी उन्होंने संपूर्ण भारत, मक्का, मदीना, चीन, अरब देश, अफगानिस्तान और रूस, इस तरह से दक्षिण एशिया की पैदल यात्राएं की और एक ही संदेश जन जन तक पहुंचाया कि ईश्वर एक है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी बारे लिखा है कि गुरु नानक देव पातशाह महाराज एक नूर सी और उस नूर का कोई परछावा नहीं सी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने भी श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी को चिराग लिखा। चिराग मीन्स दीवा। दीवा करता की है? दीवा जदों जगता है, दीवा जदों बढ़ता है तो वह हनेरे को नाश कर देता है। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने भी संसार विच आकर के अज्ञानता का हनेरे को नाश किया। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी के आगमन तो पहला हिंदुस्तान के अंदर चौं पासे हनेरा ही हनेरा सी, पर यह जिहड़ा हनेरा सी ना यह अज्ञानता का हनेरा सी, यह जुल्मां दा हनेरा सी, यह पापां दा हनेरा सी। पर गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने दुनिया के लोगों को एक संदेश दिता। वो संदेश सी एक ओंकार दा, भाव कि परमात्मा एक है, सारिआं नूं पैदा करन वाला भी कोई है, रिजक ते राजक देण वाला भी कोई है, ते मारन वाला भी इको ही एक परमात्मा है। सतगुरु ने अपनी बाणी के अंदर आख दिता, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। नानक देव जी की वाणी हिंदी साहित्य के नव रसों में से 8 रसों पर आधारित है। जीवन में श्रृंगार रस का सर्वोपरि महत्व है, इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। गुरु नानक देव जी की वाणी में भी श्रृंगार रस की प्रधानता है, किंतु ये श्रृंगार रस लौकिक नहीं, दिव्य है। श्रृंगार रस को उन्होंने सबसे ऊपर बताया, गृहस्थ जीवन को उन्होंने सबसे ऊपर माना है। उन्होंने कभी भी संन्यास लेने के लिए कोई संदेश नहीं दिया। नानक देव जी कहते हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो कर्म करते हुए भी परमात्मा के दीदार कर सकता है। मन मोती जे गहना होवे, पवन होवे सूतदारी, खिमा सीगार कामण तन पहरे, रावे लाल प्यारी, लाल बहु गुण कामण मोहे, तेरे गुण होए न अवरी। अगर अपने मन को सच्चे मोती जैसा गहना बना ले, हर सांस मोती पिरोने वाला धागा बना ले, दुनिया की कठिनाइयां सह लेने के स्वभाव को श्रृंगार बनाकर शरीर पर धारण कर ले, तो ईश्वर के मिलन से कोई नहीं रोक सकता। संसार के प्राणियों को गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के माध्यम से बार बार यही संदेश देने का प्रयास किया है, ये जीवन मिथ्या है, शरीर नश्वर है,
क्षणिक पदार्थों के मोह में पड़कर इंसान बड़े बड़े कष्ट भोगता है। माया जाल से ग्रसित प्राणी को बंधन मुक्त करने के लिए उन्होंने जो संदेश दिए वो करुण रस से परिपूर्ण है। फिर होए ताता खरा माता नाम बिन परतापिए, ओह जे साय देई लहरी बिजल जीवे चमकिए, हरि बाम राखा कोई नहीं सोई तुम्हें बिसारिया, सच कहे नानक चेत रे मन मरहे हरणा कालिया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि परमात्मा से विमुख प्राणियों की अवस्था करुणा भरी होती है। प्राणी सांसारिक विषयों में फंसकर अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं, अर्थात जीवात्मा परमात्मा से विमुख होकर करुण प्रलाप करने लगती है। ज्ञान वैराग्य भक्ति व योग से परिपूर्ण उनकी वाणी में शांत रस की प्रधानता है। अनहदो अनहद वाजे ऋण झुण कारे राम, मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारे राम, अनदिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया, आद पुरख अपरंपर प्यारा सदगुर अलख लखाया, आसन बैसन थिर नारायण तित मन राता विचारे, नानक नाम रते बैरागी अनहद ऋण झुण कारे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मेरा मन दिन रात राम की आराधना में लीन हो गया है और उन आदि पुरुष राम के दर्शन सतगुरु ने कराए हैं जो सबसे अलग हैं। इसलिए परमात्मा के विचार को अपने मन में लीन करें। 15वीं सदी में तुर्क और मुगल भारत पर आक्रमण करने लगे थे। उस समय उन्होंने जो संदेश दिए उसमें वीर रस की प्रधानता रही। तुद्बिन दूजो ना ही जाए, जो किच वर्ते सब तेरी रजाए, डरिए जे डर होवे होर डर डर डरना मन का सोर। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा ही साधक को वीर और निर्भय बनाते हैं। परमात्मा के भय के अलावा किसी अन्य भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। Oh,
समाज में व्याप्त अनाचार और अत्याचार को देखकर वे परमात्मा से रोष करने में भी पीछे नहीं हटे। अनाचार और अत्याचार पर उन्होंने जो संदेश दिया उसमें रौद्र रस की प्रधानता है। जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई, सकता से मारे पे वगे खस्मे सापुर साई। गुरु नानक देव जी अपना रोष प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि एक शक्तिशाली सिंह दूसरे शक्तिशाली सिंह पर वार करे उसे मारे तो मन में रोष नहीं होता, किंतु यदि कोई शक्तिशाली सिंह निरपराध या कमजोर पशुओं को सताता है तो उसके स्वामी को कुछ तो पुरुषार्थ दिखाना ही चाहिए। गुरु नानक देव जी की वाणी में भयानक रस दो रूपों में है। पहला परमात्मा का भय, जिसमें सारी सृष्टि मर्यादित होकर काम करती है, और भय का दूसरा रूप जब इंसान मायाग्रस्त हो जाता है, सांसारिक विषयों में लिप्त हो जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है। ऐसे में गुरु नानक देव जी की वाणी यही संदेश देती है कि केवल अच्छे कर्म हमें सद्मार्ग पर ले जाते हैं और बुरे कर्म निसंदेह हमें पथ भ्रष्ट करते हैं। भयविच पवन वहे सदवाओ, भयविच चाले लख दरियाओ, भयविच अगन कढ़े बेगार, भयविच धरती दबी भार। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि परमात्मा के भय से समस्त सृष्टि अपने मर्यादा में स्थिर रहती है, और भय का दूसरा रूप विषयासक्त मायाग्रस्त और परमात्मा से विमुख प्राणियों का है, जो न चाहते हुए भी भयग्रस्त होकर प्रलाप करते हैं। गुरु नानक देव जी स्वयं हास्यप्रिय और विनोदी स्वभाव के रहे। अहंकार, माया और सामाजिक कुरीतियों पर उनकी वाणी में करारा व्यंग मिलता है। जत पहारा धीरज सुनियार, अहण मत वेद हथियार, भौ खला अग्नि तपताओ, पांडा पाओ अमृत तिट ढाल, घड़िए सबत सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान ही हमारा हथियार है। जो अपने शरीर को तपस्या की अग्नि से उजागर करते हैं, ईश्वर की अपार कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। प्राणी के लिए परमात्मा एक आश्चर्य रूप है। प्राणी ने परमात्मा के अनंत रूप गढ़े हैं। गुरु नानक देव जी के संदेश में यह स्पष्ट है कि सब इंसान एक हैं, ना कोई जाति से ऊंचा है, ना कोई जाति से नीचा है, ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईश्वर का सभी लोग सुनकर ही वर्णन करते हैं। उनको ना तो किसी ने देखा है और ना ही उनकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। कथन करने वाले स्वयं ही उनमें समा जाते हैं। करतारपुर में परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर खेती बाड़ी करते हुए गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय बिताया, और उन्होंने अपने शिष्य भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक देव जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ऐसा माना जाता है कि जपजी साहिब का स्मरण करते करते इस महान आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन बले को मंदे। पुछन खोल किताब नो, हिंदू वड़ा के मुसलमान, बाबा आखे हाजिया शोभ अमड़ा बाजों।